एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोन था सोल स्टोन। उसको खोजने के चक्कर में हम मार्वल फैंस ने अलग अलग थ्योरी लगाए। सबसे पहले हम लोग को लगा कि सोल स्टोन दिखेगा गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में एडम वॉरलॉक के पास, फिर हमें लगा सोल स्टोन दिखेगा ब्लैक पैंथर में क्योंकि वकांडा में वाइब्रेनियम हो सकता है, सोल स्टोन हो सकता है, लेकिन ये सारी थ्योरियाँ गलत साबित हुई। और एंड में हमें दिखा इन्फिनिटी वॉर में सोल स्टोन, और वो था वोरमीर में। अब पता चला उसको पाने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ता है, और जैसा कि रेड स्कल ने थानोस से कहा था, ये अपने आप में सबसे अहम अनंत मणि है, यानी इसका जो औहदा है सबसे ऊपर है अनंत मणियों में, और ये सबसे यूनिक है। तो ऐसा क्या खास बात है सोल स्टोन में, आइए जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक इन्फिनिटी वॉर की फैन आर्ट बुक लीक हुई जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आर्ट हमको देखने को मिले, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का नया लुक, आयरन स्पाइडी का नया लुक, थॉर का नया लुक, आयरन मैन का ब्लीडिंग एज आर्मर, थैनोस का लुक और ब्लैक विडो का लुक। उसी में एक फायर सीन भी लीक हो गया जिसमें थैनोस सोल स्टोन का यूज़ करते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, जैसे थैनोस ने सोल स्टोन का यूज़ किया, जितनी भी सोल थी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मेंबर की और आयरन मैन की, सबकी बाहर आ गई सोल, यानी थैनोस उस समय सोल स्टोन का यूज़ कर रहा था उनकी सोल को पुश करने के लिए। और सोल स्टोन का यही काम है, सोल को ऑल्टर करना, सोल को कंट्रोल करना, सोल को मैनिपुलेट करना, यहाँ तक कि सोल को कैद करना अपने अंदर। और बहुत से मार्वल फैन जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर कॉमिक वर्जन में सोल स्टोन के अंदर एक एक्चुअल में सोल वर्ल्ड है, यानी जब जितने भी लोग स्नैप का शिकार होते हैं उन सबकी सोल सोल वर्ल्ड में चली जाती है। और जब ये कॉन्सेप्ट आर्ट लिखो तो हम देख सकते हैं थानोस कैसे सोल स्टोन का यूज़ कर रहे हैं उन लोगों की सोल को कंट्रोल करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर स्नैप हुआ तो एक्चुअल में लोग क्वांटम रिलीफ की जगह सोल वर्ल्ड में गया, क्योंकि सोल स्टोन बहुत ही अहम स्टोन है, उसका यूज़ पूरी तरह से इन्फिनिटी वॉर में दिखाया नहीं गया है। तो हो सकता है एवेंजर्स 4 में हमें पता चले कि एक्चुअल में सोल स्टोन के अंदर सोल वर्ल्ड है भी क्या नहीं, क्या ये कॉमिक बुक से कनेक्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है रेड स्कल के अकॉर्डिंग। और थैनोस भी ये बात मानता है क्योंकि इसे उसके लिए अपनी प्यारी बेटी गमोरा का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो दोस्तों आपको ये थ्योरी कैसी लगी और सोल वर्ल्ड के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। Thank you for watching.